हेलो नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम देख लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे एडिटोरियल है ये एक्चुअली रेप केस के बारे में है, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर की केस स्टडी है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ ये जो आर्टिकल है ये भी रेप केस से बिलोंग करता है, और इस आर्टिकल को एक्चुअली उत्तर प्रदेश के बारे में आर्टिकल है, तो दोनों आर्टिकल को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली है कि भाई चेन्नई के अंदर जो आईपीएल होने वाले थे ना, अब वो चेन्नई की जगह पुणे में आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि चेन्नई के अंदर जो चेन्नई के मुख्यमंत्री साहब हैं उनका ऐसा कहना है कि भाई हम जो सिक्योरिटी फोर्स वगैरह वो अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कावेरी जो जल विवाद है उसके चक्कर में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तो हमें लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी दिक्कत है वो आ रही है। तो इसकी वजह से राइटर का ऐसा कहना है कि देखो ये बात ऐसी है, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है ना वो आता है स्टेट लिस्ट का, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट लिस्ट में, और स्टेट ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। तो स्टेट के द्वारा ऐसा कहना कि नहीं भी हम सिक्योरिटी रेंज नहीं करवा सकते कोई वैलिड तक नहीं है, स्टेट को इसके लिए एक्शन वगैरह लेने चाहिए। अगर कोई इशू हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प है वो मांगनी चाहिए। तो ये इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, बस बाकी आईपीएल से संबंधित हैं, तो आईपीएल से संबंधित यूपीएससी एग्जाम में पूछने वाली है नहीं, तो ये हम इतना इसमें जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने देख लिए। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली आयुष्मान भारत के बारे में है, आज फ्राइडे है, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि भाई आयुष्मान भारत है वो क्या वो भारत को हेल्दी बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो उसके पक्ष में तर्क है वो डिस्कस किए गए हैं, तो इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर नीचे के दोनों आर्टिकल हैं कुछ काम के नहीं है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले में जो रेप केस से जो बिलोंग करते हैं दोनों आर्टिकल, इन्हें हम देखने वाले हैं। आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि हमारे समाज में जो संवेदना सिस्टम वो ऐसा लग रहा है कि लगभग खत्म सा ही हो गया है। सबसे पहले हुआ निर्भया केस हुआ, उसके टाइम पे कितना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद भी देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रेप केस में कमी आ रही है। दिन प्रतिदिन रेप केस का डाटा या आंकड़ा वो बढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो केस हैं वो तो दर्ज करवा ही नहीं जाते हैं। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो बड़ी एक तरीके से शर्मनाक बात है हमारी सोसाइटी के लिए कि आज भी हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं उसके बाद भी हमारी सोसाइटी में रेप केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इवन जो ये रेप केस है जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें जो रेप किया गया है वो एक्चुअली यहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो अनएजुकेटेड थे, एजुकेटेड थे, काफ़ी वेल एजुकेटेड पोस्ट पर इंसान था, उन्होंने एक्चुअली रेप किया है। तो राइटर का कहना है कि देखो एजुकेशन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है, लोगों की मेंटेबिलिटी है वो हमें चेंज करनी होगी। केस ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक्चुअली एक बकरवाल कम्युनिटी है जिसकी एक लड़की थी 8 साल की, जिसका नाम था आसिफा भानो, उसका अपहरण करके रेप कर दिया गया और उसे ड्रग्स वगैरह दिए गए थे, और उसके बाद में उसकी हत्या वो कर दी गई। तो इस चीज़ में हमारे राइटर का ऐसा कहना है कि देखो हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे क्राइम हो रहे हैं, काफ़ी शर्मनाक बात है, और देखा जाए तो 8 साल की बच्चे के साथ रेप होना बड़ी एक तरीके से शर्मनाक बात है, और रेप तो रेप होता है चाहे किसी भी किसी के साथ भी हो। इसके साथ ही यहाँ पे बात डिस्कस की गई है कि सबसे जो राइटर है वो एक उनका एक पॉइंट ये कहना है कि देखो सबसे शर्मनाक बात तो इसके ऊपर ये रही है कि ये जो मुद्दा था इसको बाद में हिंदू मुस्लिम में पलट दिया गया है। मेन इशू था वो था रेप केस का, इसके बाद में हुआ क्या कि जो आरोपी थे वो हिंदू थे और यहाँ पे जो विक्टिम थे वो थे मुस्लिम, तो इस सारे मुद्दे को पॉलिटिकल हवा दे देगी और इसे हिंदू और मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो मामला हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए और हमें उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में रेप जैसे क्राइम है वो आज भी बढ़ते जा रहे हैं, वुमेन को आज भी डिग्निटी के साथ नहीं जीने दिए जा रहे हैं। तो वो सारे रीजन्स हमें आइडेंटिफाई वो करने होंगे और इसके साथ हमें कुछ स्टेप हैं वो उठाने होंगे। इसके बाद में देखो बात ये आती है कि जो आसिफा बानो केस था इसमें एक्चुअली भी जो एक तरीके से ग्रुप हैं छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या और बाकी जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई सीबीआई की जांच वगैरह वो की जाए तभी इस मामले के पूरा मामला है वो मतलब सामने आएगा। तो राइटर देखो ये केस स्टडी वगैरह तो यूपीएससी इतना नहीं पूछने वाली यहाँ पे ऐसे, तो हमारे लिए जो बेसिक पॉइंट वही है कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे रेप हो क्यों हो रहे हैं, रीजन्स हमें देखने हैं, इसके साथ हमें सोल्यूशंस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सोल्यूशंस हम हैं और जो रीजन्स हैं वो भी हम दूसरे आर्टिकल से या फिर जो पहले के वहां से हमने एक तरीके से उठाए हैं तो देख लेते हैं। इसके साथ जो अगला आर्टिकल इसमें है वो है यूपी के केस का आर्टिकल, वो अगला ये है कि यूपी की उन्नावा में एक लड़की ने आरोप लगाया कि भाई वहां के जो एमएलए हैं उन्होंने उनके साथ रेप किया, तो फिर तो कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया गया। इसके बाद में जो लड़की थी उसके पिता की एक्चुअली डेथ हो गई, उसके पिता की डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में, तो मामला ज़्यादा सुर्खियों में आने लग गया और अभी भी इसका सोल्यूशन वगैरह नहीं किया गया है। तो देखो मेन बात है क्या जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है जो यूपीएससी के लिए और जो हमारी सोसाइटी के लिए मेन पॉइंट है वो क्या है कि भाई आज भी हमारी सोसाइटी में रेप क्यों भाई मतलब रेप है वो क्या होते जा रहे हैं, क्यों रेप कम नहीं हो रहे, जबकि एजुकेशन के कह रहे हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, बहुत से प्रोग्राम भी चला रही है, बट फिर भी ऐसा क्यों है। तो देखो कुछ रीजन्स यहाँ पे हम डिस्कस करें, एक रीजन है वो है पुरुष प्रधान समाज। देखो
देखो हमारी सोसाइटी में क्या है कि आज भी पुरुष प्रधान समाज को तवज्जो दी जाती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ है एक तरीके से वंशवाद से भी बिलोंग करती है कि भाई जो लड़का है वो वंश चलाता है, तो अगर लड़की कोई गलती होती है तो उसमें कोई भी उसको मतलब सजा वगैरह नहीं दी जाती, और लड़की अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब बड़े बड़े एक तरीके से डिजास्टर के फॉर्म में देखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी सोसाइटी में आप बेसिक से एक एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर कहीं भी रेप होता है किसी लड़की का तो लड़के को कोई कुछ नहीं करता, उसकी शादी वगैरह सब आराम से हो जाती है, बट वहीं लड़की की ना शादी होती है उसको पूरी लाइफ भर ताने मारे जाते हैं। तो ऐसा क्यों भाई, गलती लड़की की थोड़ी थी, गलती तो लड़की की, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं देखो हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा कनेक्ट हो गया कि भाई लड़कियों को कमजोर समझा जा रहा है और उनके लिए कोई भी एक्शन वगैरह वो नहीं ली जा रही है। और सबसे बड़ा इसका रीजन बताया जा रहा है कि पुरुष प्रधान समाज जो थिंकिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में विद्यमान है, और ये ऐसी बात नहीं कि अनएजुकेटेड लोगों में, एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को आगे ना कहीं शो करते हैं। जैसे कई बार आप देख सकते हो कि मैटरनल जो मैं सॉरी मैरिज के बाद में भी रेप वगैरह केस आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि जो पुरुष लोग होते हैं वो कई बार क्या 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 करते हैं कि अपनी सोच वो काफ़ी छोटी दिखाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि यार वुमेन है वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने उससे शादी किया तो इसका मतलब वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो सोच है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में वुमेन को नीचा दिखा रही है, और उसकी वजह से पुरुष है उसको एक्चुअली मतलब मेल को काफ़ी ताकत मिल जाती है और उस चीज़ का नाजायज़ फायदा है वो यहाँ पे उठा रहे हैं। इसके बाद में एक रीज़न आता हुआ आता है कि हमारी सोसाइटी में देखो सेक्स एजुकेशन है वो नहीं दी जाती है। अब आप खुद देख सकते हो कि जब सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस से कुछ भी नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेक्स है क्या, कैसे एजुकेशन मतलब प्रॉपर, जो काफ़ी कई बार क्या काफ़ी असंदिग्धताएं होते हैं बच्चों को पता नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सब कुछ क्लियर रखा जाए, सेक्स एजुकेशन दी जाए बेसिक, तो उसका काफ़ी कुछ फायदा है वो हो सकता है। इसके साथ ही बात यह आती है कि देखो प्रशासन की, कि प्रशासन है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। देखो प्रशासन की बात ऐसी है कि ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट है वो लॉ नहीं बनाती है, लॉ वगैरह तो बनाती है बट उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। इश्यू यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट उनको प्रॉपर जो भी कानून बनाए हैं उनको प्रॉपर ढंग से अप्लाई नहीं किया जा रहा, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो पुलिस है वो अपने काम ढंग से नहीं कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं हर बार देखा जाता है कि कानून का मिस यूज़ किया जाता है, सही दिशा में डायरेक्शन में फोकस वो नहीं किया जाता है। जुडिशियरी है वो भी कहीं ना कहीं जुडिशियरी भी अपना वर्डिक्ट दे देती है बट उसके बाद एक्शन है वो तो हमें ही लेना होगा ना। तो हमारी सोसाइटी में जो भी प्रशासन है जो भी गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कई बार कोई विक्टिम है वो केस दर्ज करवाने गया तो कई बार क्या कि उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे वो शर्माते हुए बेचारा फिर कभी केस दर्ज करवाने नहीं जाता। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है ना कि हमारी सोसाइटी में ही ऐसी ऐसी कमियाँ जिनको हम मतलब सिंपैथी वगैरह नहीं दिखाते हैं, और इसकी वजह से केस वगैरह वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में एक रीजन आता है वो होता है सेक्स रेशियो, कि हमारी सोसाइटी में सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चीज़ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि रेप वगैरह ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो बाद में हम देखते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ कि भाई सॉल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सब रीजन ही हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की बात देखो ऐसी है, सबसे बड़ा पॉइंट वो यही आता है कि गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए, क्योंकि हमारे देश के कानून इतने सॉफ्ट भी नहीं है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया गया ना उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, मतलब कानून जो है उसको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। ऐसा नहीं है कि MP और MLA रेप करें तो उनको तो कोई बात नहीं है, बाकी अगर कोई आम आदमी करे तो उसको सजा दी जा रही है। सब क्लियर होना चाहिए और सजा सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, जो जैसा क्राइम करता है उसको उसके अगेंस्ट सजा है वो मिलनी चाहिए, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनको पॉलिसी में जो भी कुछ कमी है उनको दूर करना चाहिए, और टाइम टू टाइम इस चीज़ पर पार्लियामेंट पे डिबेट भी होनी चाहिए। क्योंकि देखो जब भी कोई कानून वगैरह बनता है उस पर डिबेट होती है तो उसमें काफ़ी जो कमियाँ होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए हमें नए कानून नई पॉलिसी वगैरह पर डिबेट के साथ बनाना चाहिए। इसके साथ ही जो भी कानून वगैरह ना उन पर ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए कि जो भी आरोपी है ना उसकी साइड लेने की बजाय जो मामला है वो उसको सही ढंग में फोकस करना चाहिए। जैसे कि अब जम्मू एंड कश्मीर का केस, इसमें मामले को था तो रेप केस बट उसको कन्वर्ट कर दिया गया हिंदू मुस्लिम में कि हिंदू और मुस्लिम का, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो भी आरोपी है जिसने भी गलती की है उसको सजा जरूर जरूर मिलनी चाहिए। रही बात सेक्स एजुकेशन की, तो सेक्स एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको भी हमारी सोसाइटी में प्रोवाइड हो करवाना चाहिए, और इवन स्टार्टिंग से ही, ताकि बच्चों के मन में कोई भी एक तरीके से एम्बिग्यूटीज है वो ना रहे और सब कुछ क्लियर रहेगा, तो बाकी वो फ्यूचर में ऐसे क्राइम वगैरह नहीं करेंगे। इसके बाद में बात आती है जेंडर इक्वलिटी की। देखो चाहे पॉलिटिकल एरिया में जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए, फिर सोशल एरिया में वुमेन को हमें राइट है वो देने होंगे, और राइट्स उनके बेसिक हैं, ऐसी बात नहीं है कि राइट हम उनको उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। राइट वुमेन की भी जिम्मेदारी है, वुमेन के खुद की उनकी जरूरत है भाई, राइट्स उनको चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि पुरुष प्रधान समाज है तो जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा।
इसके बाद में देखो बात एक काफ़ी लास्ट में एक लाइन है, एक वर्ड है, वो है कि वुमेन इज नॉट कमोडिटी, मतलब जो वुमेन है वो कोई वस्तु नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए और इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी में जो वुमेन के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं उनके ऊपर हम लगाम है वो लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, उसमें हमें बदलाव लाना होगा, और जो कुछ लोगों की जो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएजुकेटेड तरह के बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसकी तरफ भी हमें फोकस है वो करना होगा, और उनको भी एक्चुअली हमें अवेयर कराना होगा। अगर वो लोग नहीं सुधरे तो फिर उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन है वो लेना चाहिए। तो इसमें सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं वो आगे आना होगा। जैसे कि निर्भय केस हुआ था, उसमें पूरी सोसाइटी सामने आगे आई थी, तो ऐसा थोड़ी कि एक निर्भय केस एक रेप केस होता, उसके बाद तो इतने सारे रेप केस हुए हैं, तो फिर भी हमें ऐसा क्यों है कि हम उस रेप केस को इतनी तवज्जो दे रहे हैं बाकी को नहीं। पूरी सोसाइटी जब साथ है कि तभी जो आरोपी हैं उनके मन में एक डिटरेंस बनी रहेगी कि हाँ भाई अगर मैंने कुछ क्राइम किया तो मेरी खैर नहीं है। तो इसलिए सभी को इस तरीके से एक्शन है वो लेना होगा। तो इसमें जो कुछ आर्टिकल में पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, बाकी हमने सारे पॉइंट्स वो कुछ एक्स्ट्रा ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि बैलेंस पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है आयुष्मान भारत के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत है वो क्या इंडिया को हेल्थियर बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हाँ या ना के जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें बैलेंस पॉइंट है वो यहाँ पे शो नहीं किया गया, मेनली जो बैलेंस वाले पॉइंट है वो भी नेगेटिव ही शो किया गया है, तो हम दोनों को दो ही पॉइंट तक के बचे हैं, तो हम देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव पॉइंट है क्या, पॉजिटिव पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लाएगी एक तो आयुष्मान भारत की। आपको पता है कि जो बजट आया था इस बार का 2018 का, इस बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आई थी जिसमें 5 लाख तक का जो लोगों को कवरेज है वो दिया जाएगा, और अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 50 करोड़ के आसपास लोगों को इसमें फ़ायदा है वो होने वाला है। तो ये यहाँ पे बात आती है। इसके बाद में बात आती है वो आती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, कि जो आयुष्मान भारत जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है इसमें एक्चुअली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल जाएंगे हमारे देश में अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास। अब आपको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर हेल्थ संबंधी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बट यहाँ पे राइटर का ऐसा कहना है कि देखो हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर पे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे उस पर हमें एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी फोकस ज़्यादा करना है, मतलब हमें डेंटल चीज़ों पे भी डेंटल ट्रीटमेंट पे भी फोकस करना है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुई या फिर लंग्स जैसी डिजीज हुई उन पर भी फोकस करना है। जबकि आजकल हो क्या रहा है, जबकि आजकल ये हो रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी जो सोसाइटी है वो एक्चुअली चाइल्ड के हेल्थ पे ही फोकस कर रही है, मेटरनल हेल्थ पे ही फोकस कर रही है। जबकि आपको बता दूं कि चाइल्ड हेल्थ हुआ या फिर मेटरनल हेल्थ जैसे इशूज ये तो केवल हेल्थ के सेक्टर में केवल 15% है, बाकी जो मेन डिजीज है वो तो क्यों चाइल्ड के बाद ही होती है, मतलब बचपन के बाद ही स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इनकी तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, हमें इस एरिया की तरफ भी फोकस करना चाहिए, बट इसी के साथ हमें जो आगे डेंटल मतलब जो फ्यूचर की डिजीज होती है जैसे कि डेंटल हुआ फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी, डायबिटीज वगैरह हो गया, लंग्स डिजीज इटीसी जैसी गंभीर बीमारियां, कैंसर वगैरह, इनकी तरफ भी हमें स्टेप उठाना होगा। मतलब हमें हेल्थ है वो ऐसा नहीं कि बच्चों की हेल्थ पे फोकस करना है, हमें बच्चों की हेल्थ पे, युवाओं की हेल्थ पे, सीनियर सिटीजन है सभी की हेल्थ को हमें फोकस करते भी आगे चलना है। इसके बाद में देखो बात ये आती है कि पोर्टेबल स्कीम भी है जो आयुष्मान भारत में जो स्कीम में प्रावधान किया गया है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। पोर्टेबल स्कीम का मतलब यह है कि जैसे कोई भी जैसे कि दिल्ली का कोई भी इंसान है उसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिल्ली में लेना होगा, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हो या फिर उसी उत्तराखंड में हो या फिर तमिलनाडु में हो, तो वहाँ भी अगर वो बीमार हो जाता है तो वहाँ के हॉस्पिटल में भी वो ट्रीटमेंट वगैरह ले सकता है। तो ये इसमें एक अच्छा प्रावधान किया गया है। तो राइटर इसके जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है वो यहाँ पे ये पॉइंट बता रहे हैं। वैसे तो हमने इस स्कीम को बजट के टाइम पे काफी अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद में जो नेगेटिव पॉइंट है हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें कमी है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो राइटर का नेगेटिव पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस स्कीम में कोई भी नया नहीं है, ये स्कीम ऑलरेडी पहले जो स्कीम थी उसी स्कीम को नया नए एक्चुअली ग्लास में दे दिया गया। जैसे इससे पहले जो स्कीम थी वो थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो राइटर का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था उसी को ही एक्चुअली थोड़ा मॉडिफाइड करके नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है वो ला दी गई है। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने इसमें प्रावधान तो रख दिए हैं बट उन प्रावधान के लिए जो इतना फंड की जरूरत है वो फंड नहीं है, मतलब एक हो गया कि डिमांड तो रख दी गवर्नमेंट ने बहुत सारी और वहां पे देने को लिए दे, एक हो गया कि एक अनार और 100 बीमार वाली सिचुएशन हो गई है कि फंड बहुत कम दे दिया है और जो लोगों की नीड है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद में देखो बात ये आ रही है, एक पॉइंट ये दिया जा रहा है कि देखो ऑलरेडी कुछ स्टेट हैं उन्होंने अपनी स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वो चला रखी है, तो ऐसे मामलों में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी स्कीम चलाना शुरू कर दिया है, तो अभी उस चीज़ की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक बात ये की जा रही है कि देखो जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है वो स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के साथ कैसे कोलाब्रेशन करेगी, क्योंकि इसमें भी अगर कोलाब्रेशन करना है तो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ भी आएंगे, तो इस दिशा में भी कोई क्लियर गाइडलाइंस वगैरह नहीं की गई है।
इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये आता है कि आउट पेशेंट है उनको यहाँ पे फोकस नहीं किया गया है। जो आउट पेशेंट का मतलब देखो ये है, जैसे आपको बताओ कि जब भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसमें मेनली ये प्रावधान होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे तभी आपको मिनिमम 24 आवर्स का उसमें प्रावधान होता है कि मिनिमम आपको 24 आवर्स एडमिट होना होगा तभी आपको जो ट्रीटमेंट वगैरह जो अमाउंट है वो आपको दी जाती है, इसमें प्रावधान होता है। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें एक्चुअली 1 डे से पहले की भी लिमिट होती है कि मतलब 24 घंटे से कम भी आप अगर हॉस्पिटल एडमिट रहते हो तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट वो दिया जाता है। अब आउट पेशेंट भी होते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि ऐसी बीमारियां हो जाती हैं उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता बट उनको ट्रीटमेंट लेना होता है लंबे टाइम तक, जैसे कि 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने से कुछ काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो राइटर का कहना है कि जो पेशेंट घर रह के ट्रीटमेंट ले रहा है उसका भी तो मेडिसिन का काफ़ी खर्चा होता है ना, कई बार काफ़ी लंबा को ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहता है तो उस कंडीशन में उसको काउंट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि राइटर का कहना है कि उससे काउंट करना चाहिए क्योंकि उसको काउंट नहीं किया जाता तो कई बार वो भी काफ़ी बड़ा बर्डन हो जाता है। ऐसे कोई पेशेंट है अगर वो बेचारा कोई भी डिजीज ले रहा है नॉर्मली डेली, मतलब उसको कोई भी डिजीज हो गया सॉरी, तो उस कंडीशन में अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है 5 महीने तो उसका 5 महीने में खर्चा तो हो रहा है ना, काफ़ी कॉस्ट लग रही है, तो उसको भी तो मुआवजा वगैरह उसको भी जो अमाउंट है वो देनी चाहिए ना, तो इसके बारे में क्लियर गाइडलाइंस वगैरह नहीं की गई हैं। इसके साथ ही राइटर का कहना है कि देखो गवर्नमेंट स्कीम तो लेके आई है, इस स्कीम से जो सरकार है उसको फायदा इसको सरकार सॉरी सरकार को फायदा है वो कम होने वाला है, सरकार को लॉस हो ज़्यादा होगा और ऑलरेडी फंड कम है तो इससे कोई एक तरीके से ढंग का अच्छा रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है। इसके बाद में देखो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया है कि भाई हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो खोलेंगे। अब आप ये बताइए कि जब गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रही है तो हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम से कम 2-3 लोगों को तो रखेगी ना एक तरीके से वर्कर के फोर पे, तो इतनी बड़ी तादाद में हमें लोगों की जो जरूरत है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई भी प्रावधान की नहीं है, केवल बात बात कही है गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन वगैरह जारी की नहीं है कि भाई हम उन लोगों के लिए जो वर्कर फोर्स है उसके लिए हम क्या स्टेप उठा रहे हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होगी, वो तो सब गवर्नमेंट ने अभी क्लियर किया ही नहीं है, तो कोई एक्शन ली नहीं गई इस चीज के ऊपर। इसके बाद में बात ही आती है कि देखो हमें हमारे देश में अगर सिस्टम को इम्प्रूव करना है हेल्थ को तो सबसे पहले हमें प्राइमरी हेल्थ केयर प्लस सेकेंडरी हेल्थ केयर प्लस टर्सरी हेल्थ केयर है इन तीनों को हमें एक साथ लेकर चलना होगा, मतलब तीनों के बीच में एक तरीके से सिंक है वो करवाना होगा, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर है वो सेकेंडरी से कनेक्ट होना चाहिए, सेकेंडरी है वो टर्सरी से कनेक्ट होना चाहिए, तब भी इस चीज़ का अच्छा रिजल्ट है वो हमें मिल सकता है। और गवर्नमेंट को इसमें जो भी कुछ कमी है ना, चाहे वो अपोजिशन बता रहा हो या कोई भी बता रहा हो, उन कमियों को दूर करना चाहिए और तब भी हमारे देश का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात की जा रही है और उसमें हेल्दी भारत की भी बात की गई है, तो हेल्दी भारत तभी हो सकता है जब हम सारी इन सभी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर को एक साथ सिंक करवाएंगे और गवर्नमेंट इस में अच्छे कदम बढ़ाएगी और जो भी ट्रांसपेरेंसी हो सामने लेके आए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।